चूरू के तारानगर में पुरानी रंजिश के चलते तीन युवकों ने बल्ले से वार कर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। सांतियो गांव में ये वारदात हुई। डीवाईएसपी ओम प्रकाश ने गोदारा ने बताया कि थाने में तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें बताया गया है कि प्रदीप एक गीदड़ देकर दूसरे गीदड़ में जा रहा था, तभी गांव में पवन, धर्मेंद्र और रमेश ने प्रदीप की आंखों में लाल मिर्च डाल दी और वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से एक क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल शेष आरोपियों की तलाश जारी है। होली के त्योहार धींगड़ पर तीन चार लड़के धींगड़ देख करके आ रहे थे और पुरानी रंजिश को लेकर के प्रदीप पुत्र धर्मपाल जाति धानक के साथ मारपीट की। पवन कुमार, धर्मेंद्र और रमेश तीनों ने, और पवन कुमार ने उसके पेट से सर में चोटें मारी, जिसे मौके पर भी उसकी मौत हो गई। हालांकि उन्होंने प्रयास करके तारानगर हॉस्पिटल तक लाए थे, लेकिन उसके बावजूद वो मृत हो गया। आंखों में मिर्ची डाली और उनको पकड़ करके और मारपीट की। इसी बात को लेकर के प्रदीप के भाई संदीप ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अभी मुकदमा दर्ज कर लिया, पूरी रात से मुलजिमों को दस्तियाब करने के प्रयास कर रहे हैं। एक मुलजिम को हमने दस्तियाबी कर लिया, धर्मेंद्र उर्फ पुलिया गोस्वामी को, और अभी जो है परिवारजन की सहमति से पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करवा रहे हैं।